हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ झारखंड की एक और ट्रेडिशनल रेसिपी, पत्ता रोटी या धुतो रोटी, जिसे मैंने बनाया है अपनी मदर इन लॉ के साथ इन ट्रेडिशनल वे। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये है सखुआ का पत्ता, जिससे दोना और पत्तल बनता है। पत्ते का डार्क साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसका कोन शेप देंगे। इसे हम टूथपिक या फिर सीक की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा कोन ना खुले। इसी तरह से हम सारे कोन को रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारा कोन हमारा रेडी हो चुका है। दुत्तो रोटी बनाने के लिए हम दो तरह का चावल लेंगे, एक कटोरी उसना चावल यानी कि बॉइल्ड राइस, एक कटोरी अरवा चावल, और उसी कटोरी से एक कटोरी उड़द दाल। मैंने चावल और दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था। धोने के बाद इसका सारा पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे चावल, दाल, 5 से 6 मिर्च, 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, और इससे हम गाढ़ा पीस लेंगे। अगर पीसने में दिक्कत हो तो हम 2 से 3 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चावल और दाल पीस चुका है। इसे अब हम अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बाकी बचे हुए चावल दाल को फिर हम पीस लेंगे। यहाँ पे सारा बैटर पिस चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम मिला लेंगे। मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हींग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक पारंपरिक पकवान है तो इसे हमने पारंपरिक तरीके से बनाया है, यानी कि लकड़ी के चूल्हे में। और ये भाप से बनता है तो मैंने इसके लिए इडली स्टैंड यूज़ किया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा पानी इसमें डाल दिया है इडली स्टैंड में, पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप इसी तरह से इसे गैस पर भी बना सकते हैं। जब तक पानी हमारा गर्म होता है हम कोन को फिल कर लेते हैं। एक कोन लेंगे, उसमें 2 चम्मच बैटर मैंने डाला। आप अपना कोन के साइज़ के हिसाब से बैटर उसमें डालें और उसे हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए दोबारा करके बताती हूँ, इस तरह से बैटर डालेंगे और इसे हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि ये अच्छा शेप ले। इसी तरह से हम सारे कोन को रेडी कर लेंगे। ये भले ही लेंथी प्रोसेस लगता है लेकिन गपशप करते हैं ये पता नहीं चलता है कि कब बन गया। ये देखिए हमारा सारा कोन रेडी हो चुका है भर के। भरते तक में पानी भी बॉयल हो चुका है अच्छे से। पानी बॉयल होने के बाद हम उसमें एक एक करके सारा अपना कोन डाल देंगे। और इसे ढक के हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। ये भाप में पकता है तो ये धीरे धीरे पकेगा। 20 से 25 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। पता करने के लिए कि ये रेडी हुआ है कि नहीं इसे हम छू के देखेंगे। ये टाइट हो गया यानी कि रेडी हो चुका है। दूधो रोटी थोड़ा अब ठंडा हो चुका है। अब इसमें से हम पत्ता को हटा लेंगे इस तरह से, एक एक करके हम सारे पत्ते को हटा लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही हम सर्व करेंगे। इसे मैंने सर्व किया है आलू चने की सब्जी के साथ और घी के साथ। ट्रेडिशनली ये घी के साथ सर्व किया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी ट्रेडिशनल रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।